Welcome, welcome. Today I'm very, very excited and happy because I have a very, very close friend of mine with me today, and she's Jyoti Sanghvi from Mumbai. She's an excellent cook और गुजराती खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है. तो आज ज्योति हमें ये सिखाएगी कि हम किस तरह सिर्फ 30 मिनट में पूरा गुजराती मील बना सकते हैं, जिसमें कढ़ी भी होगी, खिचड़ी भी होगी, सब्जी भी होगी और चूरी भी होगी. ज्योति इज ऑल्सो इन टू ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड अ परफेक्ट होस्ट. वेलकम ज्योति, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जो कि नो अनियन नो गार्लिक प्योर वेजिटेरियन कुकरी चैनल है. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए. सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के साथ ही एक राइट साइड में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करिए और ऑल प्रेस करिए. अब सब्सक्राइब एंड बेल आइकन है, दैट मीन्स हमारी सभी रेसिपीज आप तक सीधे पहुंच जाएंगे. एंड बिफोर आई हैंड ओवर टू ज्योति, अ वेरी स्मॉल टिप ऑन हाउ टू कम्प्लीट योर मील इन 30 मिनट्स. सो जिस खाने को बनाने में ज़्यादा समय लगता है उसे हम पहले चढ़ाएंगे, और जिसमें कम समय लगता है उसे हम बाद में चढ़ाएंगे. यू फॉलो ज्योति एंड यू विल बी एबल टू कम्प्लीट इन लेस देन 30 मिनट्स. और ज्योति, अब सभी को तुम्हारा इंतजार है. मैं शुरू करने जा रही हूँ. पहले कढ़ी बनाएंगे, तो जिसके लिए मैंने ये एक आधा कप दही लिया है, अपना रेगुलर दही जो थोड़ा खट्टा होना चाहिए तो कढ़ी और भी टेस्टी बनती है. और उसके साथ मैंने 1.5 टेबल स्पून बेसन डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो कि बेसन डाल रखा है मैंने. और इसको अभी मैं थोड़ा घोट लूँगी, उसको एक स्मूथ पेस्ट बना के फिर इसमें अपने व्हील एड वाटर, उसमें पानी मिक्स करेंगे. तो ये मैं एक स्मूथ पेस्ट बना रही हूँ ताकि कोई गट्ठे नहीं रहे एंड एक अच्छी सी कढ़ी बनेगी इससे. तो अभी ये मैंने घोट लिया है. अब इसमें मैं जब मैंने आधा कप बेसन दही लिया है तो मैं अभी इसमें डालूँगी पानी. तो मैंने ये डाल दिया है कढ़ी में पानी, और अभी इसको मैं फिर मिक्स कर लूँगी. और अब मैं इसे पहले गैस पे लगा दूँगी बॉईल करने के लिए. ये बॉईल होता रहेगा और साथ साथ में अपने लोग उसमें उसके मसाले डालते रहेंगे. गुजराती कढ़ी खट्टी और मीठी होती है, तीखी भी होती है. तो मैं पहले 2 हरी मिर्च स्प्लिट करके डाल रही हूँ, जो आधी आधी करके अपने लोग यू कैन आप अगर आपके पास अदरक मिर्ची का पेस्ट हो तो वो भी आप डाल सकते हो. मैं अभी साबुत मिर्च और अदरक को ग्रेट करके डालूंगी. तो मैंने अभी यहाँ पे 2 हरा मिर्ची डाला है और अब मैं अदरक इसमें ग्रेट करके डाल रही हूँ. और इसके बाद ये मैंने अदरक भी डाल दी है, जो इसके लिए एक छोटा सा स्मॉल टुकड़ा इज इनफ. और अभी जो मैं कढ़ी बना रही हूँ वो 2 लोगों को इनफ होगी. तो आप उसके हिसाब से जो क्वांटिटी आप बनाना चाहते हो आप उसके हिसाब से ही आप दही और बेसन का मेजर ले सकते हो. और अब मैं डालने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून गुड़, जो हमारे गुजरातियों की खट्टी मीठी में गुड़ डाला जाता है. तो दही खट्टा है, सो मैंने 1 टेबलस्पून टोटल गुड़ डाला है, छोटे छोटे पीसेस करके ताकि जल्दी से गल जाए. और अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी एंड कंटिन्यूसली आपको इसको चलाते रहना है, अदरवाइज़ दही फट जाता है. तो कंटिन्यूसली उसको बॉईल कर, जब तक बॉईल पे नहीं आता है यू हैव टू कंटिन्यूसली उसको स्टर करते रहना है. मैंने नमक डाल दिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालोगे. और अभी इसको हम उबलने देंगे, कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे जब तक एक बॉईल नहीं आ जाता. व्हील उसको स्टर करते रहेंगे ताकि दही फट ना जाए. एंड अब अपनी कढ़ी उबलने आई है, ये देखिए उबल रही है, अच्छे से उबलने लगी है. तो अभी मैं थोड़ा सा इसका गैस स्लो कर दूंगी ताकि कच्चापन जो बेसन का है वो पूरा हट जाना चाहिए. और इसके साथ साथ मैं इसकी छौंक की भी तैयारी कर रही हूँ. अब मैं कढ़ी का छौंक लगाने जा रही हूँ. तो मैंने ये देखिए इतना 1 स्पून घी लिया है, और घी में ही इसको छौंक देना है क्योंकि कढ़ी घी में ही छौंकी जाती है. अब इसमें मैं डालूँगी 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग, थोड़ा सा सरसों,
जरा जरा सा सब डालना है। ये देखिए मैं इतने एक क्वार्टर टी स्पून सरसों डाला, क्वार्टर टी स्पून अखा मेथी का दाना और थोड़ा सा जीरा। ये सबको आप सेकोगे और फिर इसमें अपने को हींग लगानी है, हींग का तड़का देना है और साथ साथ में कड़ी पत्ता डालना है। तो मैं अभी यहाँ इसमें हींग डाल रही हूँ, एक क्वार्टर टी स्पून हींग और कड़ी पत्ते डाल दिए हैं मैंने। और अब ये छौंक मैं कड़ी में डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से डाला जाता है ताकि उड़े नहीं और पूरा आपका घी वगैरह सब कड़ी में चला जाता है। तो अभी ये कड़ी थोड़ी देर और बॉईल करेंगे ताकि दालचीनी लौंग का फ्लेवर उसमें आ जाएगा। और अब ये कड़ी अपने को खाने के लिए रेडी हो गई है। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको अपने सर्विंग बोल में निकाल के मैं धनिया पत्ता से उसको गार्निश करूंगी। सर्विंग बोल में निकाल के रेडी कर रही हूँ, जिसमें अभी इसको हम लोग गार्निश करेंगे धनिया पत्ता के साथ। ये देखिए इतनी कड़ी बनी है जो दो जन के लिए परफेक्ट होती है। मैं इसको धनिया पत्ता से गार्निश करूँगी टू मेक इट लुक गुड, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। सो धनिया पत्ता से गार्निश कर दिए कड़ी को। चलिए अब कड़ी बिल्कुल रेडी है आपको खाने के लिए। और ये कड़ी के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, आप इसको खिचड़ी के साथ खा सकते हो, पुलाव के साथ खा सकते हो, और हमारे में हम बाजरे की रोटी भी बनाते हैं जिसके साथ भी ये कड़ी खा सकते हो। तो इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं और ये बिल्कुल ऐसे भी सूप की तरह भी आप लोग पी सकते हो, बहुत टेस्टी होती है। तो कड़ी इज़ रेडी। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, गुजराती खिचड़ी, जिसका मैंने मिक्स करके एक भिगा के रखा हुआ मिक्स दिखा रही हूँ। ये कटोरी से आधा कटोरी मैंने चावल लिए हैं, आप बासमती छोड़ के कोई भी चावल यूज़ कर सकते हो बारीक वाले। और आधी कटोरी मैंने मूंग की छिलके वाली दाल ली है, तो ये मैंने भिगा के रखा हुआ है। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जो अपने कटोरी का माप लिया था उसका तीन गुना पानी डालना है। तो मैं ये एक, दो और तीन मेजर्स पानी डाल रही हूँ, जिसका जितने अपने चावल और दाल मिला के लिया था ये मेजर, उसी का तीन मेजर्स मैंने पानी डाला है। अब इसमें मैं थोड़े मसाले डालूँगी, जैसे स्वाद अनुसार नमक डालना है। इसमें क्वार्टर चम्मच हींग डाली है, क्वार्टर टीस्पून, हाफ टी स्पून जितना काली मिर्च का भुका। तो ये मैंने हल्दी भी डाल दी इसमें। ये सब आपको ऑप्शनल है, आपके हिसाब से यू कैन पुट। और इसमें अभी मैं आधा एक चम्मच जितना घी डालूँगी, ये घी मैंने डाल दिया, सब खिचड़ी में मिला के करना है। अब मैं ये पूरा एक मिक्स कर दूँगी और अब मैं इसको कुकर बंद करके इसको मैं एक सीटी बजा के गैस स्लो करके तीन सीटी और बजाएंगे उसके बाद, और फिर गैस को बंद कर देंगे। एक सीटी बजने के बाद इसका मैं गैस स्लो कर दूंगी और फिर तीन सीटी और बजाऊंगी स्लो गैस पे, और तब तक अपनी खिचड़ी कुक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन आलू की सब्जी, जो खिचड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। तो अभी मैं एक कढ़ाई ली है मैंने, जिसमें मैं दो चम्मच तेल डालूंगी, मैं छौंक लगाऊंगी और फिर उसमें सब्जी डाल के उसको कुक करने देंगे अपने। तो मैंने थोड़ी सरसों डाल दी है, और जैसे ही सरसों थोड़ी चटकने लगती है तो मैं हींग इसमें डालूंगी। एक क्वार्टर टी स्पून हींग चाहती है इसमें, ज़्यादा हींग नहीं है। और जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो मैं पहले इसमें थोड़ी लाल मिर्च और जरा सी हल्दी इसमें पहले डालूंगी, तो सब्जी का कलर अच्छा बनता है। तो ये मैंने अभी बैंगन और आलू मैंने डाल दिए हैं। मैंने एक बड़ा आलू लिया है और एक 150-200 ग्राम का एक बैंगन लिया था, जो मैंने टुकड़े करके रेडी करके रखा हुआ था। और अब इसको मैं थोड़ा मिला लूँगी और इसमें अब मैं थोड़ा नमक डालूँगी, जो स्वाद के हिसाब से अपने डालेंगे।
और जैसे ही ये सब मिक्स करके मैं फिर इसमें थोड़ा पानी डालूँगी ताकि ये, और ढक के इसको कुक करने दें, छोड़ेंगे जब तक बैंगन आलू गल नहीं जाते, और फिर बाकी का और इसमें मसाला होगा जो लास्ट में अपने डालेंगे जब आलू और बैंगन पक जाएंगे। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, ताकि सब्ज़ी को शॉक कुक करने के लिए जितना पानी लगता है। ये सब्ज़ी अपने को रस्से वाली नहीं करनी है, थोड़ा सॉफ्ट होगा और जो खिचड़ी और कढ़ी के कॉम्बिनेशन में भी आप खा सकते हो उस टाइप की सब्ज़ी बनेगी। तो ये मैंने इतना सा, एक कप जितना पानी डाला है इसमें, और अब इसको मैं ढक के कुक करने छोड़ दूंगी जब तक आलू और प्याज बैंगन कुक नहीं हो जाते। अब मैं पापड़ सेक रही हूँ, जो पापड़ की एक चूरी बनाएंगे जो खिचड़ी कढ़ी और सब्जी के साथ खाई जाती है। ये इस तरह के टुकड़े होने चाहिए पापड़ के, जो एकदम बारीक भी नहीं होता है और थोड़े टुकड़े भी दिखते हैं। तो ये पापड़ में अब मैं थोड़ा मसाला डालूँगी, थोड़ी लाल मिर्च डालूँगी इसमें, फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, यही है ना, एक चम्मच तेल डालूँगी जिससे इसका सब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा पापड़ के साथ। और बस अब ये रेडी हो गई है। अब मैं इसे एक कटोरे में निकाल लूँगी जो अब बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए। तो ये मैं निकाल रही हूँ एक कटोरे में। तो ये देखिए अपनी पापड़ की चूरी भी रेडी हो गई है। ये अपनी सब्जी प्रैक्टिकली कुक हो गई है। तो अब इसमें मैं ये टमाटर डाल दूंगी, एक आधा टमाटर मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके डाला हुआ है, और इसके साथ मैं डालूंगी बाकी का जो मसाला बाकी था वो मैं डाल दूंगी। हरा थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर और डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और धनिया जीरा पाउडर। तो ये अपनी सब्जी अब 2 मिनट इसे और कुक करेंगे ताकि टमाटर कुक हो जाए और सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जी में। और ये अपनी सब्जी अब 2 मिनट ढक के और रहने देंगे और ये तैयार हो जाएगी, और इसे भी लास्ट में धनिया से गार्निश करेंगे। चलिए ये देखिए अपनी सब्जी रेडी हो गई है, टमाटर डाल के बाकी के मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ओह निकाल के अभी आप देख सकते हो कि सब्जी भी अच्छे से रेडी हो गई है। मैंने धनिया पत्ता से उसको सजा दिया है। अब खिचड़ी निकाल लेंगे। खिचड़ी का कुकर ठंडा हो गया है, स्टीम निकल चुकी है। अब मैं ये खोल लेती हूँ खिचड़ी का कुकर, तो आप देखोगे कि खिचड़ी अच्छे से कुक हो गई है। और अभी इसे लास्ट में मैं थोड़ा घी और डालूँगी ताकि इसको, और इसको अच्छे से घोलना है ताकि एकदम मिक्स अच्छे से हो जाए। और अभी मैं इसमें और घी डालूँगी। ये मिक्स करने के बाद मैं एक आधा चम्मच घी और डालूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से खिचड़ी में खाने के टाइम आएगा। तो ये अपनी खिचड़ी सर्व करने को रेडी है। कि कैसे परोसा जाता है ये पूरा खाना, सिंपल खाना जिनको अच्छा लगता है, दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस ऑफ ईटिंग। तो आप देखिए खिचड़ी भी रेडी हो गई है। अब ये पूरा गुजराती खाना तैयार है, खिचड़ी कढ़ी सब्जी और पापड़ की चूरी, जो अभी मैं प्लेट लगा के दिखा रही हूँ। ये कढ़ी हो गई, चलिए तो आप देख सकते हो कि ये पूरा एक फुल मील रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो, तो ज़रूर बनाइएगा एंड एन्जॉय।